ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को श्रीमत की कदर बता रहे हैं। बाबा कहे, तुम बच्चों को रोज श्रीमत पर चलना है तभी श्रेष्ठ बनेंगे। मन मत या पर मत पर नहीं चलना है। मन मत पर मत श्रापित कर देती है। श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाएगी। इसलिए बाबा कहे, कभी भी श्रीमत को भूलो नहीं। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाबा ने हर कर्म के लिए हम बच्चों को श्रीमत बताई हुई है और उस श्रीमत के आधार पर सतो प्रधान पुरुषार्थी बनो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। बाकी तमो प्रधान पुरुषार्थी तो मन मत पर मत पर चल करके अपने को श्रापित भी करते हैं, साथ ही अंत में फिर यही कहेगा, जो भाग्य में होगा सो मिलेगा चलेगा। तो बाबा कहे, ऐसे तमो प्रधान पुरुषार्थी तुम्हें नहीं बनना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, पर मत व मन मत श्रापित कर देंगी। इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। आज की मुरली से प्रश्न है, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन, दोनों का अंतर क्या होगा? उत्तर है, सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। वे याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर वन जाने का लक्ष्य रखते हैं। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते हैं, जो तकदीर में होगा। अच्छा, प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही। उनके आगे माया ऐसा विघ्न आता है जो रेस से ही बाहर निकल जाते हैं। बाबा कहे, उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता जो उसको रेस से ही बाहर निकाल देते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे जब सन्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहां तो जीव आत्माएं ही होगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसे अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर सहित बैठे हो। आत्मा व परम आत्मा जब तक शरीर में न आए तब तक बोल नहीं सकते। तुम जीव आत्माएं जानते हो, अब बाप के सन्मुख बैठे हैं। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से ही वर्षा लेंगे। जानते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीखते हैं, बैरिस्ट्री सीखते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवान वाच यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्मा पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो, बाबा कहे, कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते।
पूछो, तुम पुनर्जन्म में मानते हो? यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं परंतु 84 जन्म लेते हैं। इससे सिद्ध होता है, पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट में छीछी तमो प्रधान होगा। हाँ, बाबा कहे लास्ट में छीछी तमो प्रधान होंगे। 16 कलह से फिर 14 कलह, 12 कलह होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया है या जन्म मरण रहित है? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता है वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म लेवे, बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वह इस तन में एक ही बार आते हैं बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। वह कब सतो प्रधान से तमो नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है, आत्मा पावन आती है फिर माया पतित बना देती है। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ। रावण के मत से दुखधाम बन गया है, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है। परंतु माया 5 विकारों को कहा जाता है। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। सत्युग त्रेता में माया का नशा होता नहीं, वहां रावण का भूत बनाकर जलाते नहीं। भूत कड़े दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है, बाबा कहे शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है, लिखा हुआ है। देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं, माया के वश होने से परवश हो जाते हैं, पर मत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्री मत पर मत माना माया की मत, पर मत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है परमत रावण की, परमत रावण की मत। इसीलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी है। मनुष्य ने सत्यों की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, मनुष्य ने सत्यों की आयु लाखों वर्ष समझ ली है
तो तुम हिसाब किताब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। इनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते? इतने वर्ष होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते। अगर लाखों वर्ष का खेल कहे तो अनगिनत मनुष्य हो जाए, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं है। मैं जो हूं जैसा हूं, ये चक्र कैसे फिरता है कोई जान न सके। बाप ही समझाते हैं। यह है गीता, यह है बाबा की सच्ची गीता। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, तब उनका नाम गीता रखा है। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा है। यह अनादि नाम रखे हुए हैं, रिपीट होते हैं। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं। ये बहुत सहज बात है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ, कोई वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस है। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5000 वर्ष ही कहेंगे, घड़ी घड़ी 5000 वर्ष ही कहेंगे। 2-3 वर्ष पीछे आने वाले भी कहेंगे तुम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाप से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूं। कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं का आप परमपिता परमात्मा बाप हो। बाप ही कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था। ऐसा पूछते बाबा, बाप ही कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, अब मैं देता हूं। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। ये तो अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, इसका अंत नहीं है। बाप के बनते हैं फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। कई बार एकदम पक्के बच्चों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जहां तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम आत्मा पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनती जाएगी। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। यह है बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा है। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता है।
पांच सात रोज व एक मास यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चला आता है, बाप सुनाते ही रहते हैं। कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। कोई सन्यासी विद्वान आदि को ऐसे कहने आएगा नहीं। भगवान उवाच, मुझ बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है, तब तो कहते हैं ना। बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है, तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। बाप कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो। यह साजन तुम सब सजनियों को पावन बनाने आए हैं। कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे, स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहां है बाप पर बलिहार जाना, यहां है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दो पर बलिहार जाते हैं। अब बाप कहते हैं मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। सावधान करते बाबा कि कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है, तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे, आप हमारे पर बलिहार हो ना। बाप कहते हैं तुम बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा। वायदा है बाबा का भी, इतना भारी वर्षा है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता हूं, सिर्फ तुम निरंतर मुझे याद करो, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो, हम बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप परमधाम से आया हुआ है, परंतु माया चिल भी कम नहीं है, पंजा मार देती है। सबकी बात नहीं है, नंबरवार है, कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि बाप से वर्षा लेते हैं। यहां बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहां से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। चार पांच वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं, चार पांच वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं। कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं बच्चे माया बहुत कड़ी है, अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है। इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। देखते हो कैसे चकना चूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना, बल वहां सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। यह गुड़ दौड़ है ना, सब नंबर वन तो नहीं जाएंगे, ये ह्यूमन रेस है। माया ऐसा विघ्न डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है, तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब बाबा के पास जाएं, बाबा ने युक्ति तो बतलाई ही है,
बाबा हम आपकी याद में रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा रहते हो ना, तो इसमें भी तो 8 घंटा रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना इतनी भारी सर्विस है, सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो, बस 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा तुम इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहां भी बैठ कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहते हैं सवेल सुमण, सवेल उठण, यानी सवेरे जल्दी सोना, सवेरे जल्दी उठना, सवेरे सोना, सवेरे उठना, ये गुण मनुष्य को बड़ा बनाता है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। बाबा कहे तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 घंटा नींद बस। कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो, शिव बाबा को याद करो। 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, वो फर्स्ट क्लास समय है। एकदम शांति रहती है, सभी अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है। ऐसे लगता जैसे सब मरे पड़े हैं। उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो फिर वह याद पक्की हो जाएगी। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जगाते रहते हैं। स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। कमाई थोड़ी थकाएगी, बाबा कहे कमाई थोड़ी थकाएगी, कमाई से तो खुशी होगी। तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सवेरे अमृत वेले उठ, अशरीरी बन बाप को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। पर मत व मन मत पर न चल, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान बच्चों के लिए है, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट यानी बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट यानी बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का जो बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। जब बोझ यानी वेट समाप्त हो, माशुक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। यदि माशुक हल्का हो और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। रूहानी माशुक आशिकों को कहते हैं समान बनो,
समीप बनो। आज का स्लोगन है, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मूरत बनना है। अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मूरत बनना है। अच्छा, ओम शांति। क्लिक हियर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन to stay updated with our latest videos.